एक प्रॉफिट की बात बता दूँ तो वो मैदे के इलाज के लिए ना काफ़ी मुफीद साबित होता है, और हमारे यहाँ के लोगों की जो है ना मैदा अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो देख सकते हैं अभी जो है ना खाने का टाइम है, तो यहाँ पर लोग बैठ के जो है ना खाने खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार क्या हालचाल आप सभी को, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त हम आए हुए हैं हमारे जो खेतों बाड़ी का एरिया है यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोग जो है ना काम कर रहे हैं। हम भी आए हुए हैं, तनवीर भाई जो है ना मिर्चा लेके आए हुए हैं, और भाई शेबाज भी यहाँ से आ रहे हैं, भाई रिजवान भी यहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं एक खेत पर जो है ना इस तरह से जो है ना एज ए मिसाल ब्रूच लगाने जा रहे हैं, ताकि जो है ना ज़मीन को प्लेन करना है, इसके लिए हम कहते हैं उसे ब्रशिंग। तो अभी हम जा रहे हैं जी। तो यार वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें यार, इससे आपकी भाई को सपोर्ट मिलती है। तो एक चीज़ साफ लोगों को दिखा दूँ, तो ये देख सकते हैं इस बीज को, ये मटर का बीज है, बोते हैं, और साथ ही साथ गंदम का जो होते हैं आटे वाले उसको भी ज़्यादा बोते हैं, और साथ ही साथ और एक बीज है जिसे काला गंदम कहा जाता है, उसको भी जो है ना यहाँ पर बोया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट उसको बोया जाता है। जो ही यहाँ पर घास फूस उगने स्टार्ट होंगे ना, इसका जो घास होता है वो जो ही निकल जाएंगे तब उसको बोया जाता है। सो उस वक्त तक आप इंतज़ार करें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसका जो है ना आपको एक प्रॉफिट की बात बता दूँ, तो वो मैदे के इलाज के लिए ना काफ़ी मुफीद साबित होता है, और हमारे यहाँ के लोगों की जो है ना मैदा अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना उसको एज ए खाना ब्रोफेजान कहते हैं, एक डिश है जो कि मैंने काफ़ी वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड किया हुआ है, तो उसको बना के खाते हैं। उसकी वजह से जो है ना यहाँ के लोगों के जो स्टमक है, मोस्टली पीपल के जो है ना स्टमक मतलब प्रॉब्लम कम ही होते हैं बनिस्बत शहरों में। अभी मतलब शहरों में काफ़ी इसी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना लोगों को कुछ भी नहीं होता है, तो वो उसी बीज की वजह से होता है जिसे हम काला गंदम कहते हैं और हमारे ज़बान में ब्रो कहते हैं। तो यार वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें यार, इससे आपकी भाई को सपोर्ट मिलती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, मटर के बीज को आप फेंक रहे हैं जी। इसमें मटर की खेती होगी फिर? अच्छा, आप ये बता दें कि यहाँ पर कौन कौन सी फसल की खेती होती है? गंदम, बाजरा, मटर, बस इन्हीं तीन फसलें होती है। बीज मिलती है, उसका क्या नाम है जिसे काला गंदम कहते हैं ना, जो ब्रो कहते हैं जो जी, बाजरा और ब्रो भी कहते हैं। तो ये सिर्फ सियाचिन के इलाके में बोए जाते हैं? अच्छा, ये मतलब ठंडे जगहों में यही मिलता है जो? अच्छा, अभी ये बोने के बाद उसको बोते हैं या पहले बोते हैं काले गंदम को? जो काला गंदम अभी यही ये मटर और गंदम काश करके 40 दिन बाद हो जाए, 40 दिन बाद उसको बोए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है ना मटर के बीज को लगा रहे हैं, वो इसको लगाने के बाद ट्रैक्टर पे हल चलाए जाते हैं, और इसको लगाने का भी अंदाज़ कुछ यूनिक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लकीर बनाई हुई है, तो लकीर बनाने के बाद इसको बराबर हिस्सों में तकसीम करके फिर मटर के बीज को लगाए जाते हैं, ताकि एक साथ जो है ना बराबर के हिसाब से जो है ना बीज लग जाए पूरे खेत में। मैं आपको वो बीज दिखाता हूँ, मटर के बीज। तो ये देख सकते हैं इस बोरी में लाया हुआ है, ये देख सकते हैं इस बीज को जो है ना पूरे एरिया में
पूरे खेत में जो है ना लगाए जाते हैं। तकरीबन एक बोरी तकरीबन 4 से 5 खेतों में लगाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर से जो है ना हल चलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है ना खेत पे हल चलाया जाता है, और जो ही ये ख़त्म होता है फिर स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ पे जो है ना ऐसा रूल है कि अभी यहाँ पर ख़त्म हो जाए तो ये नीचे आ जाता है, और जिस एरिया में नहीं लगा है वो उसी एरिया को लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं ये वाला जो है ना ज़मीन खेत जो है ना ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभी काला गंदम की जो है ना बीज बोना है, इसके लिए इसको जो है ना अभी ऐसे ही रखा हुआ है। ये देख सकते हैं ये सामने जो, और ये तो ये भी रखा हुआ है, ये इसमें जो है ना काला गंदम जो के बीज को इधर बोना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी मटर लगाई हुई है, मटर और साथ में दूसरा गंदम का बीज भी यहाँ पर बोया जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना जो हमारे ये खेत जो है ना हल चलाएँगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रशिंग करेंगे। तो ये लगभग जो है ना ख़त्म हो गया है, और व्यू का दर्शन करते हैं। इसे बैकवर्ड आप देख सकते हैं, बर्फ आई हुई पहाड़ है बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ। तो देख सकते हैं अभी जो है ना खाने का टाइम है, तो यहाँ पर लोग बैठ के जो है ना खाने खाते हैं। जो हमारे फीमेल होते हैं वो खाना लेके आते हैं इस बकेट में, ये जो बकेट है इसमें लेके आते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर दस्तरखान बिछा के खाना खाना होता है, और यहाँ पर जो है ना खेतों पे हल चलाए जा रहे हैं, और लोग यहाँ पर जी जो है ना उसको प्लान करें कि काम करें। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ब्लॉग कैसा था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। समझते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।